अभी हम जहानाबाद के घोसी विधानसभा के दरियापुर गांव में हैं और यहां पे ग्रामीण लोगों से मिलने के लिए आए हैं, इनसे जानकारी लेने के लिए आए कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में इन लोगों का विचार क्या है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो लोग चौक चबूतरे बंगले पे बैठ के राजनीतिक चर्चा करते हैं फुर्सत के टाइम में। तो हम भी पहुंचे, हम भी बात करेंगे और हम भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? रविंदर शर्मा। लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या विचार बनाए हैं अपने मन में? हम तो आशुतोष कुमार के वोट देंगे। आशुतोष कुमार जी को? जी। ऐसे उत्साहित होकर के बोल रहे हैं चाचा? हाँ, हम उत्साहित होकर बोलेंगे। हमको हमको शुरू से दिमाग में था कि कुछ भूमिहार का कोई नेता समाज का आवे कि उसका हम वोट दें। आपका क्या नाम है? आनंदी शर्मा। आशुतोष कुमार को जानते हैं? खूब जानते हैं। कितना दिन से जानते हैं? यही साल भर 6 महीना। अच्छा, साल भर 6 महीना से। क्या कर रहे हैं लोकसभा में? वोट देंगे, उन्हीं को समर्थन कीजिएगा। अस्तो जी के। जहानाबाद के लोगों को क्या कहिएगा? जहानाबाद के लोग कहेंगे बिहार समाज आशुतोष जी को विजयी बनावे नजरिए सांसद से। और कुछ कहिएगा लोगों से? और लोगों से कहें कि भारी मत से जिताइए इनको, युवा है, इसलिए युवा है। जब पिछला बार किनको वोट किए थे आप? कुमार जी को। अब की बार तो बहुत सारे नेता जी आएंगे, बड़े बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे जो आशुतोष कुमार जी के खिलाफ में प्रचार करेंगे, बड़े पैसा वाला रहेंगे, उनका बात में आइएगा कि आशुतोष कुमार के बात में आ रहे हैं? आमेंगे। उनके बात में नहीं आइएगा? ना, उनके बात में नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा आ जाइए आगे। समाज का नेता है, समाज का बेटा होगा, ठीक है ना? भूमिहार। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार सिंह। लोकसभा का चुनाव आ गया है सर पे, क्या विचार कर रहे हैं? आशुतोष शर्मा को वोट देना है। ऐसा क्या हो गया कि सब कह रहे हैं कि आशुतोष शर्मा का वोट देना है? ये समाज सेवी हैं और समाज सेवी के चलते इनको वोट देना जरूरी है। काहे इतना वो हो रहा अंदर से? बिहार बिखर गया है और बिहार को सुधारने के लिए आशुतोष कुमार से बढ़िया कोई नेता नहीं है। कभी मिले थे उनसे पहले? हाँ, 10 साल से मिले हैं। और भी लोग आएंगे आशुतोष कुमार के खिलाफ में प्रचार करने के लिए, पैसा वाला लोग? इतना समाज से भी कोई नेता नहीं है, हर जाति हर वर्ग के लोग के साथ में लेके चलने का निर्णय लिए हैं और चल रहे हैं। जहाँ भी कोई गरीब पर कुछ होता है वहाँ पहुँचते हैं, उसका दुख दर्द बांटते हैं। इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकता है? और किसको वोट दिया जाएगा बोलिए? जहानाबाद के लोगों से क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि आशुतोष शर्मा को वोट दीजिए, सभी वर्ग के साथ लेकर चलने वाला एकमात्र नेता आशु कुमार हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, और भी गार्जियन लोग हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे, अभी सबों का विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देख रहे थे गार्जियन लोग थे जो कि आशुतोष कुमार जी के प्रति भावुक हो गए एकदम पूरा। क्या नाम है चाचा? मुकेश नंदन शर्मा नाम है। एकदम पूरा उत्साहित है अंदर से? हाँ, उत्साहित तो है। अब तो रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, विकल्प कुछ ना है। समाज जिधर लोग चलेंगे उधर हमको भी चलना है। एकजुट हो चुके हैं? हाँ, गांव तो एकजुट हो गए हैं। किनके समर्थन में? आशुतोष बाबू के समर्थन में। एक युवा है, आप अनुभवी लोग हैं, और एक युवा पे इतना भरोसा? हाँ, वो तो उबे न सहारा है, लाठी तो हम लोग के वही है। जिस तरह से बुढ़ापा में लाठी का सहारा लिया जाता है, उसी तरह से युवा में नौजवान को सहारा लिया जाता है बुढ़ापा में। लोकसभा के क्षेत्र को क्या कहिएगा? जहानाबाद के जो लोग हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा इस गांव से? संदेश देंगे कि आशुतोष बाबू प्रिय आदमी हैं, उनको भारी मत से वोट देकर विजय बनाइए। आशुतोष कुमार के पास कोई बड़ा स्टार प्रचारक तो नहीं है ना? इनके खिलाफ में कई बड़े धनवान लोग आएंगे इनके खिलाफ में वोट मांगने के लिए आपसे, उनको क्या कहिएगा? उनको कहेंगे कि नौजवान बच्चा है, एक बार इनको भी चांस दिया जाए। आप लोग तो बहुत बार जैसे कि लोकसभा में विधानसभा में सब में जैसे कि ये हो गए हैं प्रतिनिधि, तो एक बार आशुतोष बाबू को भी दीजिए समय। यानी अभी युवाओं को भी आगे जाने दीजिए? जी, युवाओं को भी आगे जाने दीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है मिथिलेश शर्मा। आपका क्या विचार है इस चुनाव को लेकर के? हम लोग तो सब समर्थन इन्हीं को कर रहे हैं, आशुतोष जी को। आप मिले हैं कभी उनसे? ना, मिले नहीं है, लेकिन इनका
विचार से और नाम से थोड़ा जाने हैं कि नहीं, विचार का है ही, समाज सेवी हैं। आप अपने तरफ से आशुतोष कुमार के लिए क्या कीजिएगा? अब अपने तरफ से तो जहाँ तक मदद करेंगे, शरीर से, दौलत से, सब कुछ से मदद करेंगे इनको, यानी जहाँ तक भी होगा घूम घूम करके माहौल बनाएंगे। 5 साल पिछले एमपी रहा, कोई ताकने नहीं आया, तो इस आदमी को वोट दे करके क्या करेगा? रूप तक नहीं देखा उसका, इसलिए नाराज है आप सब। हाँ, तो नाराज रहने का बात है। अरुण, तो सुन रहे थे, सबों का विचार था अपना अपना, आप तक पहुंचाए अपने चैनल के माध्यम से, आगे जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।